नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को, जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस और अकाउंट। सामने दिख रही है आपको बुक कॉर्पोरेट अकाउंट की, केजी पब्लिकेशन से, और चैप्टर चल रहा है अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, और क्वेश्चन चलेगा 15 और 15 के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो भी इस समय वीडियो देख रहा है, प्लीज़ आप पूरी वीडियो देखा कीजिए, फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखा कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन पढ़ाते समय आधी चीज़ मैं बता देता हूँ, बाद में आप कमेंट करके पूछते हैं कि ये कहाँ से आया, तो इसलिए हम दोबारा अपनी वीडियो देख नहीं सकते और बुक मेरे पास उसमें होते नहीं। लेकिन अब मैं रिप्लाई किया करूँगा मोस्टली कमेंट का स्टोरी में, तो स्टोरी देख लिया करो कि आपका नाम लेके आपने जो कमेंट पूछा उसका, क्योंकि 15 सेकेंड में रिप्लाई करना होता है, ठीक है? तो ये भी चीज़ हो जाएगी स्टार्टिंग। 15 क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो पढ़ना। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि ए लिमिटेड ने 3,000 शेयर परचेस किए हैं, बाय किए हैं बी लिमिटेड के, और कब किए? 1 जुलाई 2014 को 3,07,000 में, और बैलेंस शीट जो गिवन है वो क्या है? 1 दिसंबर 2014। ठीक है, तो हमारा बैलेंस शीट दिसंबर की है, तो सारा स्टार्ट हुआ हुआ जनवरी में, दिसंबर तक चला है, और जुलाई में हमने परचेजिंग की है, तो 6 महीने प्री 6 महीने पोस्ट। ये तो क्लियर हो गया हमारा टाइम रेशो। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है। एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ पीस लिमिटेड वाज फाउंड ओवर वैल्यू। ऐसा क्वेश्चन का पॉइंट हमारा 12 क्वेश्चन में भी आया था कि जब एक्विजिशन की डेट पे जो होल्डिंग कंपनी है उसने फाउंड किया कि लैंड एंड बिल्डिंग ओवर वैल्यूड लिखी गई है 20,000 से, तो आपको ये कम करके दिखाना है। ये लॉस ऑन रिवॉल्यूशन के नाम से आ जाएगा। ये फोकस हो जाए बेटा। हाँ, फिर आगे। वैल्यू ऑफ मशीनरी वाज डिटरमाइंड एट 3 लाख। तो ये बता रहा है वैल्यू ऑफ मशीनरी वाज डिटरमाइंड, तो मशीनरी की वैल्यू क्या हुई डिटरमाइन की गई? 3 लाख। मशीनरी की वैल्यू कितनी भी हो, लेकिन फिलहाल इन्होंने कितनी लगाई गई वैल्यू? 3 लाख। रिवैल्यूड होके 3 लाख की बताई गई है। और क्या बोला गया इसमें? 10% डेप लगाना है, ठीक है? आगे क्या बोला? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन जनवरी 2014 मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि साल स्टार्ट कब होता है 1 तारीख को जनवरी में, तो उसी टाइम का ओपनिंग बैलेंस दे रखा 30,000। तो ओपनिंग हमें अगर क्वेश्चन से बाहर दे रखा है, तो क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉफिट होगा वो क्लोजिंग होगा। कौन सा होगा? क्लोजिंग। तो बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिख रहा है बेटा आपको बी लिमिटेड का, कितना दिख रहा है? 1,20,000। हाँ, तो अगर ओपनिंग हमारा 30 है, तो क्लोजिंग कितना है? 1,20,000। तो करंट ईयर कितना आ जाएगा माइनस करके? 90,000। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसलिए पूरी वीडियो देखो, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते भी काफ़ी चीज़ बता देता हूँ मैं, ठीक है? स्टैंड का हिसाब किताब सही लग रहा है ना थोड़ा से? वो तो ना टाट भी चाहिए। नहीं नहीं भाई, कुछ नहीं आ रहा, एडजस्टमेंट कर लेते हो। ठीक, शुरुआत करते हैं, इधर कर ले अपनी चेयर हल्की सी, है ना? बस बस बस। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ लिखेंगे टाइम। चलो मैंने बोल तो दिया ही 15 क्वेश्चन है, ठीक है? टाइम रेशो निकालेंगे। अब टाइम रेशो निकालने का तरीका वही होता है कि बैलेंस शीट क्लोज कब हो रही है, मतलब कब क्लोजिंग टाइम क्या इसका बैलेंस शीट का? 31 दिसंबर 2014। हाँ, तो ये साल स्टार्ट हुआ होगा 1 जनवरी 2014 में, और हमने 1 जुलाई को परचेजिंग की है 2014 में, तो इससे पहले का टाइम प्री, इससे बाद का टाइम पोस्ट, 6-6 महीने का हिसाब किताब हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। ये चीज़ हमें बहुत ज़रूरी है, टाइम रेशो पता होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी चीज़ें चेंज कर देता है। दूसरा, हाँ, 6 महीने प्री 6 महीने पोस्ट। होल्डिंग परसेंटेज, ठीक है? होल्डिंग परसेंटेज के लिए हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे क्या नाम दे रखा है इन कंपनी का? ए और बी लिमिटेड है ना? ए लिमिटेड ने बाय किया है किसका? बी लिमिटेड का। तो बी लिमिटेड की कैपिटल कितनी दिख रही है? 5 लाख। 5 लाख रुपए की कैपिटल है। शेयर कितने का था? 100 का था ना, डिवाइड किया तो हमारे पास इसके कंपनी के शेयर बने 5,000, लेकिन परचेज कितने किए? 3,000। तो 5,000 में से 3,000 परचेज कर लिया, तो इंटू 100 करके परसेंटेज निकालो, 3,000 ऊपर 5,000 नीचे इंटू 100, तो ये हो जाएगा 60%, और इसका क्या बचेगा? 40, और 40% का मतलब है जब 5 में से 3 खरीदे तो बचे कितने?
2000, ये चीज़ क्लियर होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाती है तीसरा पॉइंट, अब हमें यहाँ पे मशीन वाला कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ेगा। देखो ब्लेंडर बिल्डिंग का ओवर वैल्यू फाउंड हुआ, वो तो एक नुकसान है, वो तो सीधी सीधी बताया कि लॉस ऑन रिवोल्यूशन के नाम से नीचे आ जाएगा कैपिटल प्रॉफिट के अंदर ही, लेकिन मशीन वाली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो 3 लाख वाली। हाँ 3 लाख वाली क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि हमसे बताया गया है डेप्रिसिएशन कितना लगता है 10%, जबकि 12th क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं बताया गया था, वहाँ पे हमने निकाला था, यहाँ निकाल के दे रखा है, तो मतलब कुछ और कंडीशन बना दी होगी हमारे लिए। तो बैलेंस शीट में देखो मशीनरी क्या लिख रही है, मशीनरी 2,25,000। और बैलेंस शीट कब बनती है, साल के एंड में, तो साल के एंड की हमें वैल्यू ये दे रखी है 2,25,000, ठीक है। और वैल्यू ऑफ मशीनरी कितनी बोली गई थी हमारी, 3 लाख मानी गई जिस दिन हमने परचेसिंग की, उस दिन की बात है जुलाई के टाइम में। अब दिमाग यहाँ लगाना, पहले मैं यहाँ तीसरा पॉइंट लिख देता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ मशीनरी, ठीक है, मशीनरी की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक। तो अभी मैं इस तरह से टाइम लिख के बताऊँगा, जैसे 1 जनवरी को साल स्टार्ट होता है 2014 में और ख़त्म होता है 31 दिसंबर को 2014, ठीक है, लिख दिया, एक और मार्कर ले लूँ, ये लिख दिया। हमें यहाँ पे बता रखा है साल के एंडिंग में 2,25,000 रुपये की वैल्यू है, साल के एंड में, ठीक है, कब है 2,25,000। यहाँ पे स्टार्टिंग कुछ होगी वैल्यू, जिसमें से हमने कितना डेब माइनस किया 10%, 10% डेब घटाने के बाद ये वैल्यू बची है, तो घटाने से पहले तो ज़्यादा होनी चाहिए, तो यानी कि अगर यहाँ पे 100% वैल्यू है, 10% घटा दूंगा तो क्या बचेगा 90, ऐसा हमने कॉन्ट्रैक्ट में बहुत बार किया था। अगर ये 90% में बचा हुआ है और 100% वैल्यू जाननी है, ये हमने अभी भी किया इसमें क्या बोलते हैं बजटिंग कंट्रोल में, कि कोई चीज़ अगर हमारी 90% भी दे रखी है और 100% निकालना है, तो 90 से डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई है, तो जो भी कीमत आएगी वो स्टार्टिंग की आएगी। सॉल्व करते हैं, करना है तो कैलकुलेटर तू यही रख लो बेटा, तुम भी रख लो, ठीक है। 3 लाख के आसपास कुछ आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 2.5 लाख आएगा, ठीक है, 2,25,000 डिवाइड बाय 90 × 100 2,50, यानी इस स्टार्टिंग के टाइम की कीमत होगी 2,50। क्लियर हुआ कैसे, क्योंकि हमें स्टार्टिंग की वैल्यू नहीं दे रखी थी, क्या दे रखा, बिल्कुल एंड का। जब कोई चीज़ 100% हो और 10% डेप कम हो जाए तो बचता क्या है 90%, तो 90% से डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई, स्टार्टिंग की चीज़ आ गई तो अब हम देख सकते हैं कि बीच का डिफरेंस कितना है 25,000, कितना परसेंट डिफरेंस है 25,000 का डिफरेंस है, यानी 25 का डेप लगा, और 25,000 को 2.5 लाख से डिवाइड करोगे और इंटू 100 कर दोगे तो 10% ही तो आएगा हमारा, जो कि 10% दे रखा है, मतलब सही हो गया हमारा हिसाब किताब, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे वैल्यू ऑफ मशीनरी, नहीं नहीं ये थी 1 जनवरी की 2014 की, कितनी वैल्यू थी 2.5 लाख, ठीक ही नहीं थी। फिर माइनस करेंगे डेप, क्योंकि हमने खरीदारी कब करी, जुलाई में, और रिवैल्यूएशन भी जुलाई में हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक 6 महीने इस्तेमाल किया होगा ना, ठीक है, तो 6 महीने का हम डेप लगाएंगे, ठीक है। एक साल की डेप कितनी होती है 25,000, तो 6 महीने कितनी हुई 12,500, और डेप कौन सी तरीके से लगाने को बोला था सर, डिमिनिशिंग बैलेंस बोला था ना, हाँ, अगर मैं 2.5 लाख पे भी निकालता कितने परसेंट 10% और 6/12 तो भी वही 12.5 ही आता है ना, 12,500 डेप लग गई, माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 2,37,000, ये कीमत है कब, 1 जुलाई की, 6 महीने बाद, उसी दिन रिवैल्यूएशन हुआ है, रिवैल्यूड हुई है फिगर, कितनी हो गई अचानक से 3 लाख, बात समझ में आ रही है। अब इस पे भी डेप लगाएंगे ना, ये जो बड़ी है, बिल्कुल सही जवाब, लेकिन वो लगेगा रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर जाके, एक्स्ट्रा डेप टू बी चार्ज के नाम से, तो कितना प्रॉफिट होगा अचानक से 62,500 का प्रॉफिट होगा, डिफरेंस तो नहीं आया, अचानक से कीमत बढ़ गई, कितना प्रॉफिट होगा 62,500 प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो हमें ये चीज़ ध्यान देनी होती है, अगर प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन है, यानी कोई चीज़ अचानक से बढ़ जाए तो एक्स्ट्रा डेप चार्ज करनी पड़ती है, अचानक से कोई चीज़ घट जाए तो डेप्रेशन बैक करनी पड़ती है, रिटर्न बैक करनी पड़ती है, ठीक करेंगे हम, है कम नहीं करेंगे, होगी वापस करनी पड़ेगी अगर कम कीमत हो जाए, वो क्वेश्चन नंबर 16 में होगा ऐसा काम, तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं समय, आपको ये चीज़ समझा दी,
ऐसे ही कभी कभी प्रॉफिट भी होगा, कभी कभी लॉस भी होगा, सॉल्यूशन ऐसे ही करना पड़ेगा। हमें परसेंटेज भी निकाल के देखनी पड़ती होगी, डेप भी माइनस करना पड़ेगा। अचानक से अगर इसकी रिवैल्यूज, अगर सोचो रिवैल्यूड फिगर होती 220,000, क्या होता 220,000, तो उस समय तो हमें नुकसान होता और नुकसान पे हम डेप्रिसिएशन रिटर्न बैक करते, ठीक है, इसी तरीके से वो भी उसी में रेवेन्यू प्रॉफिट में ऐड होने के लिए। और फिर वो उसमें खाते में कहाँ जाएगी, खाते में नहीं जाएगी कहीं, वो बैलेंस शीट पे प्लस माइनस करेंगे ना सबसे, ठीक है, जैसे बैलेंस शीट में अभी इसको भी यूज करेंगे तो उसको दिखाया था वैसे ही करेंगे। तो ये चीज हमारी होगी। ये काफी हद तक क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है, किसी को अभी भी समझ में ना आया हो कि मैच करने के लिए क्वेश्चन नंबर 12 की वीडियो देख ले और उससे आ जाएगा। तो अभी तक मेरा ये सिर्फ वर्किंग नोट हुआ है, क्वेश्चन स्टार्ट करना अब होगा यहाँ से, और बैलेंस शीट के लिए मैं रफ करूंगा, पहले आप नोट कर लेना फिर रफ करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट पॉइंट, मर गया मार्कर, देखो कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है, कैपिटल प्रॉफिट लिखा। अब हमें पता है 6 महीने प्री 6 महीने पोस्ट के भी है, तो हमारी बैलेंस शीट में नजर मारो कि प्रॉफिट पे क्या दे रखा है हिसाब किताब। हाँ प्रॉफिट दे रखा है हमारा बैलेंस शीट के अंदर कितना है 120, ठीक है, और प्रॉफिट हमें क्वेश्चंस में नीचे भी दे रखा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो 30,000 का है ना। तो पहले नाम यूज करेंगे सर कैपिटल प्रॉफिट के अंदर, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे पहले ओपनिंग प्रॉफिट कितना आएगा बेटा, 30,000 लिखा ना नीचे, देखो ओपनिंग प्रॉफिट, अच्छा मिल गया 30,000। फिर हम निकालेंगे करंट ईयर, क्या निकालेंगे माइनस करके, हाँ करंट ईयर कुछ हिस्सा में अभी चाहिए ना प्री के लिए चाहिए, अच्छा, इसीलिए काम कर रहे हैं, अदरवाइज ये पूरा पूरा पोस्ट भी हो जाता अगर 0:12 का रेशियो होता। तो आपका बैलेंस शीट के अंदर क्लोजिंग कितना है 120, ओपनिंग माइनस कर दो 30, तो क्या बचा हमारे पास 90। इस 90,000 का मतलब है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जो प्रॉफिट हुआ है 90,000 हुआ है, उस 90 में से प्री का टाइम कितना है 6 महीने, तो कितना आएगा यहाँ पे 45,000, तो टोटल प्रॉफिट कितना माना गया 75,000 जो प्री के अंदर आ गया, ठीक है। ओपनिंग तो आई आ गया प्लस करंट ईयर का 6 महीने का हिस्सा भी आ गया, ठीक है, ओपनिंग मतलब इस डेट से पहले पहले का प्रॉफिट था, और ये करंट ईयर कितना बैठा हमारे पास 90 में से आधा हिस्सा प्री का बैठता है, ठीक, ये आ गया हमारा। अब देखो फिर से रिजर्व के बारे में कुछ नहीं बोला, रिजर्व के लिए कोई प्री ओपनिंग करंट ऐसा कुछ नहीं दे रखा डेट, तो ये पूरा रिजर्व कहाँ जाएगा, इसी में आ जाएगा प्री एक्विजिशन रिजर्व के नाम से, या तो इसी तरह से कंडीशन बनती है रिजर्व के अंदर भी ओपनिंग और करंट वाली, तो हम ऐसे ही कर देते हाँ सब कुछ, लेकिन कुछ नहीं दे रखा तो ये पूरा रिजर्व कहाँ जाएगा, इसी में आ जाएगा प्री एक्विजिशन रिजर्व के नाम से। कितना था भाई बैलेंस शीट में देखो, 1,50,000, हाँ जी आ गया, ये दो नाम आ गए। इसके बाद क्या आता है प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन या लॉस ऑन रिवॉल्यूशन, तो प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन तो सॉल्व किया है ना, जोड़ दो प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन, जिसको फॉर्मेट ना पता हो वो पहले 5वें क्वेश्चन की वीडियो देखे, वहां पे फॉर्मेट का वीडियो में दिखा रखा है, प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन ऑफ मशीनरी है ना, मशीनरी कितना था 62,500, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर इसके बाद ये तो हो गया, इसे हम जोड़ लेते हैं, फिर लेस करेंगे, लेस करने के लिए था लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अब ये पॉइंट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमने जब क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो उसमें लिखा था कि लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ बी लिमिटेड फाउंड ओवर वैल्यू, कोई चीज फालतू लिखी हुई है, तो कम करके दिखाना पड़ेगा, लॉस ऑन रिवॉल्यूशन हो गया वो। और साथ साथ देखो कहीं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस तो नहीं लिखे हुए कहीं पे, नहीं लिखे हुए, तो इसके 20,000 रुपये हमें यहाँ पे माइनस कर देना है सिर्फ लॉस ऑन रिवॉल्यूशन के, जो फाउंड ओवर वैल्यू था, अगर प्रीलिमिनरी होता तो भी माइनस होता। फिलहाल टोटल कितना था आपने 2,875,000, 20,000 माइनस कर दो 2,675,000, ये हो गया कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है। तो इसको हम हिस्से देंगे, ए लिमिटेड में कितना आएगा 60% और बी लिमिटेड में कितना आएगा 40%, तो कितना वो 60-40 के हिसाब से 60 500 और 40% 107,000
000, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। दूसरा पॉइंट क्या आता है, दूसरा पॉइंट आता है रेवेन्यू, रेवेन्यू प्रॉफिट। मेरी बातों को ध्यान से सुनना और ध्यान रखना कि अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर लॉस ऑन रिवल्यूशन हो तो डेप्रिसिएशन रिटर्न बैक, प्रॉफिट ऑन रिवल्यूशन हो तो एक्स्ट्रा डेप्ट टू बी चार्ज। ये कहाँ आता है, रेवेन्यू प्रॉफिट में आता ना। हमारे पास देखने के लिए तो ये प्रॉफिट भी है लॉस भी है, लेकिन प्रॉफिट वाले की तो हमने परसेंटेज निकाल रखी डेप की, लेकिन यहाँ कोई ऐसे कंडीशन नहीं कि हम परसेंटेज निकाल सकें, तो इसका रिटर्न बैक नहीं होगा। जो हम लॉस पे कहते हैं ना कि डेप्रिसिएशन रिटर्न बैक होना चाहिए, वो तब हो सकता है जब परसेंटेज पता हो डेप्रिसिएशन की। हाँ, उसी हिसाब से ये तो मशीन है ना, ये तो उसके लिए है ना, लॉस एंड रिवल्यूशन बिल्डिंग के लिए, लैंड एंड बिल्डिंग के लिए। उसका तो डेप्रिसिएशन हम नहीं निकाल पा रहे, दो अलग अलग आइटम है तो दो अलग अलग परसेंटेज भी होनी चाहिए। ठीक है, तो डाउट तो नहीं फिलहाल, आगे बढ़े। ठीक है, यहाँ आती लाइन पोस्ट एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है ना। आपको पता है ओपनिंग मैंने यहाँ लिख दिया, करंट ईयर का आधा हिस्सा यहाँ लिख दिया, बाकी आधा हिस्सा बचा हुआ तो इसके लिए बचा ना। तो 90,000 का कितना, वो भी जुलाई से लेकर दिसंबर वाले, तो 45,000 ये आ गया। रिजर्व इसमें आने की कंडीशन तब थी जब ऐसी ही प्रॉफिट वाली कंडीशन रिजर्व में लग रही होती, नहीं लगी तो हमने सारा रिजर्व प्रीम डाल दिया, तो पोस्ट के लिए कुछ नहीं बचा। अब क्या रह गया, इस पे जो डेप बनता है प्रॉफिट पे, वो तो माइनस करूँगा, इसका मैं वापस नहीं कर सकता क्योंकि परसेंटेज नहीं है। इसका तो बताया ना मुझे, तो यहाँ लिखूँगा लेस एक्स्ट्रा डेप टू बी चार्ज। और बेटा अगर पूरी वीडियो देखोगे तो सुखी रहोगे, एक ही बार में हर चीज़ समझ में आएगी, है ना। सही बात है। और क्या, डेप टू बी चार्ज। अब देखो यहाँ प्रॉफिट कितना हुआ, 625 इंटू परसेंटेज कितनी निकल गई, 10%। 10% से डैप लगना चाहिए, कितने महीने का, उस जुलाई से लेकर, क्योंकि रिवेल्यूशन जुलाई में हुआ, जुलाई में कुछ ही अचानक बढ़ गई तो उस पर डैप भी तुम्हें लगाना पड़ेगा जुलाई से लेकर क्लोजिंग तक। क्लोजिंग का टाइम था दिसंबर, तो 6 महीने बैठते हैं जुलाई से दिसंबर, तो ये 3200 कितना होना चाहिए यार, 3125 है ना। 3125 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, लास्ट में ही काम आते हैं, 41875। ठीक है, ये आ गया हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट, है ना। इसे बांट भी देता हूँ, हाँ बांट दो। ये ए लिमिटेड का 60% और बी लिमिटेड का 40%, 25,125 और इसका 40%, 16,750। ठीक है, यही आ रहा है पक्का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना क्लियर है, 16,750 इतना आ गया हमारे पास, इसमें कोई डाउट तो नहीं। ठीक है, हमारी दो पॉइंट क्लियर, अगर जो मेहनत करनी है वो दो पॉइंट में करनी है, तीसरा पॉइंट चौथा पॉइंट कोई हार्ड नहीं होता, तो करनी पड़ेगी, हाँ ये भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा है कैपिटल रिजर्व और गुडविल का, है ना। तो हम लिखेंगे गुडविल और कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो यहाँ पर गुडविल की लाइन में हम क्या यूज करते हैं, पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिजर्व एक्विजिशन शेयर, है ना भाई। हमने जो खरीदारी करी थी 3,000 शेयर खरीदे थे, सबसे ऊपर देखो टॉप पे लिखा है लाइन में, या फिर बैलेंस शीट में देख लो, 3,70,000 की खरीदारी करी थी, 3,70,000 लेस करेंगे फेस वैल्यू ऑफ शेयर। फेस वैल्यू ऑफ शेयर निकालना आसान है क्योंकि हमने खरीदे से 3,000 शेयर, है ना। एक शेयर कितने का था, 100 का, तो 3,00,000 हो गया। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, 3,00,000 शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट, है ना। तो कैपिटल प्रॉफिट का हिस्सा ये रहा 160, 1,60,500 है ना। ठीक है, तो हो गया 4,60,500, मतलब माइनस में आने वाला आंसर भी इसमें से माइनस का माइनस में बचेगा, तो कैपिटल रिजर्व करना माइनस में कितना आ रहा है, आपका 90,500 वो तो आंसर है, वैसे तो बताओ ना घटा के।
देखा ही कितना है बेटा 90,500 है ना, ठीक है। उसमें डाउन भी हो रही हो, बैटरी कहीं दिख ना रहा हो, बैटरी ऐसे हो रही है उसमें, ठीक है। ये आगे मैं 90,500 फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट होता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। फिर भी जितना तुम्हें मेहनत इसमें करनी है उससे कम मेहनत इसमें करनी है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, क्योंकि फॉर्मेट जिसको पता है उसको क्लियर हो जाएगा। इसमें आता बची हुई चीज़ें, बची हुई चीज़ें कैसे, भाई शेयर कितने बचे सब्सिडी के पास, है ना, ये तो पता है। एक होल्डिंग होती है, सब्सिडी होती है, कहीं इसमें ना बोलना बेटा। फेस 40,000 जिसके पास वैल्यू ऑफ 40% शेयर, भाई 5,000 में से 3 तो उसने खरीद लिए, कितने बचे 2, तो 2,000 इंटू 100 यानी कि 2,00,000, ठीक है। फिर ऐड कर दो इसमें कैपिटल प्रॉफिट, शेयर इन, पूरा नाम बोलो ना, शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट 1,07,000, वो वाला हिस्सा जो बचे वो हिसाब का था, ये 1,07,000 है ना। शेयर इन रिवेन्यू, क्या हुआ बाहर निकल दे उसे निकल गया वो तो इस्तीफा दे दिया उसने, अश्विनी ग्रोवर है, उसे इल्जाम इल्जाम लगा दे कुछ। अरे अभी इस पर बोलना चाहिए प्रमोशन वाली बात है, धीरे धीरे बोलना था, बोलते चल के शेयर इन रिवेन्यू प्रॉफिट, ठीक है। तो ये 16,750 है ना, ऐसे उसी कहीं जा रहा है। अरे 1915 करोड़ का हिस्सा मिलेगा उसे जो बेचेगा, तो जिसका है 9% कुछ था या 10% था, सही मामला है। जो वो 1% के 1 करोड़ देने तैयार थे वो शार्क टैंक पे जोड़ियो बेटा, मैं सच्चे हम रहा नहीं चला, इसे पीट तो थोड़ा सा बच्चे जब बदमाश हो जाता है तो पीट नहीं, तो क्या हुआ इसमें कैलकुलेटर बिल्कुल इसकी जान सी खत्म हो रही है बेचारे पे, थोड़ा देखो दबा दबा के कुछ। हाँ चल गया, देखो आ गया आत्मा वापस आ गई इसकी, अरे इसे धूप में रखना पड़ेगा जस्ट चार्जिंग ले ले। 3,32,750 हाँ ये 2,00,000 की अमाउंट अब चमकेगी, हाँ 2,00,000 था ना, 3,00,000 कितना था देखो, इसलिए मैं हिंदी नहीं बोलता, 3,23,750 अच्छा 32 बोले थे तुमसे, अभी हो जाता काम। माइनॉरिटी इंटरेस्ट है ना भैया, पहले ना हम इसे लिख लेंगे, आप वीडियो पॉज करके ना फिर आप बनाना, हाँ वही तो बैलेंस शीट बनाने मैं वही बना दूंगा ना जगह, पहले से लिख लो वहीं पे बना देंगे, इन्हें बस लिख रहने देंगे। तो देखो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के बाद क्या आता है, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, वो जो खरीदा जिसने, हाँ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, इसमें आता है होल्डिंग प्रॉफिट वाला हिस्सा, क्या है प्रॉफिट फॉर द होल्डिंग कंपनी है ना, तो प्रॉफिट फॉर द होल्डिंग कंपनी दिखाई दे रहा है आपको, कितना प्रॉफिट दिख रहा है 90,000 दिख रहा है ना, ठीक है। तो 90,000 का प्रॉफिट वो लिख दो प्लस रिवेन्यू प्रॉफिट, ये रिवेन्यू प्रॉफिट में हिस्सा कितना था इसका होल्डिंग का, हाँ 25,125, तो कितना आ जाएगा 1,15,125, ये होगा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। ठीक है लिख लो, आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं इसे पॉज करके पूरा नोट डाउन करके फिर बता देना, मैं तो शुरू करता हूँ। कैपिटल प्रॉफिट नहीं जोड़ते ना, नहीं नहीं इसमें तो रिवेन्यू, क्योंकि तुमने खुद ही एक बात मुझे बहुत अच्छी बोली थी कि सर जब ये खरीदारी कर रहा है इस डेट के बाद, तो उसके डेट के बाद के प्रॉफिट में ही तो इसका हिस्सा होना चाहिए, तो इसके डेट के बाद जो प्रॉफिट होता है 1 जुलाई के बाद वो रिवेन्यू प्रॉफिट कहलाता है। कहाँ गया नीचे, अभी इधर चला गया, रिवेन्यू प्रॉफिट कहलाता है। रिवेन्यू प्रॉफिट का जो शेयर बना उसमें से कुछ हिस्सा उसका है, कुछ हिस्सा उसका है। चौबीस मिनट तो यहीं हो गए बेटा, हाँ बैलेंस मिनट तो 30 मिनट का हो जाएगा मामला, तो मैं पॉज कर रहा हूँ, आपने यहाँ पे आराम से नोट डाउन कर लो, है ना, आप भी वीडियो पॉज करो नोट डाउन करो और पूरी वीडियो देखा करो, ठीक है। अभी मैं पॉज कर रहा हूँ फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बच्चों अगर आपने लिख लिया होगा इस समय तक, पॉज तो आपने वीडियो कर दी थी, अब स्टार्टिंग करते हैं बैलेंस शीट की। अब बैलेंस शीट मैं इस हिस्से में बनाऊंगा इसलिए इतना मैं रफ करने वाला हूँ, तो आप इस पर गौर करना कि बैलेंस शीट किस तरह तैयार हो रही है।
कहाँ तक कर दिया वैसे हमने, मतलब जब तक 22 तक। हाँ 22 तक इसलिए क्योंकि वहाँ पे अनरियलाइज प्रॉफिट का यूज़ करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में उसका यूज़ होता है। अगर वो नहीं सीखोगे तो फिर तुम ऑप्शन एमसीक्यू वाले में दिक्कत हो जाएगी। हाँ। बड़े क्वेश्चन है ना वो, ना वो तो कितने जल्दी हो गए थे, बजटिंग कंट्रोल वाला कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ठीक पर्टिकुलर नोट नंबर ठीक। अब यहां पे सबसे पहले आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसमें आएगा शेयर होल्डर फंड, फिर आएगा शेयर कैपिटल। अब ये बताओ शेयर कैपिटल कितनी दिख रही है आपको होल्डिंग कंपनी की, 15 क्वेश्चन देखो 6 लाख दिख रही है ना, तो 6 लाख आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद आएगा रिजर्व एंड सरप्लस लिखा ना, हेलो बेटा रिजर्व एंड सरप्लस लिखा है, तो रिजर्व एंड सरप्लस में देखो रिजर्व एंड सरप्लस में आपको मिलेगा जनरल रिजर्व, जनरल हाँ बेटा रिजर्व जनरल रिजर्व कितना दिख रहा है आपको, 1 लाख वो आ गया। उसका क्या लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है ना, तो प्रॉफिट लॉस ना लिख के हम सीधे स्टार्टिंग करेंगे कंसोलिडेटेड कंसोलिडेटेड 15125 प्रॉफिट कितना था इसमें, 115125 है ना, ये आ गया। इसके ऊपर वाला माइनॉरिटी वो भी इसी में आएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना था, 3,23,750 हाँ ये आ गया हमारे पास 3,23,750। फिर सुपर वाला जो आइटम है उसे गुडविल है कैपिटल रिजर्व है, तो कैपिटल रिजर्व भी इधर ही आएगी कैपिटल रिजर्व ठीक है। इसे ऊपर भी लिखते थे तो कोई दिक्कत नहीं, आना इसी हेडिंग के अंदर है 90,500 गुडविल होता था हमें फिर एसेट्स में लिखना पड़ता ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। फिर हमारा है अगला करंट लायबिलिटी, सीधे करंट लायबिलिटी है ना, करंट लायबिलिटी की हेडिंग एसेट्स में आएगा। हाँ करंट लायबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर लिखा ना, सन्ड्री क्रेडिटर कितनी अमाउंट है, 2,55,000 और 1,40,000, 2,55,000 प्लस 1,40,000 ऐसी है ना, टोटल कितना होगा, 3,95,000 ठीक ये आ गया हमारे पास। फिर हमारा एसेट ये तो हमारा ही ख़त्म हो जाएगा, टोटल कर लेंगे एसेट्स शुरू हो जाएगा यहाँ से ठीक एसेट्स के अंदर। अब यहाँ देखो लैंड एंड बिल्डिंग, तो नहीं। बिल्कुल लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिख रहा है समय आपको, 4 लाख और 2.5 लाख है ना, 4 लाख यहाँ देखो ऐसे 4 लाख एक कंपनी का है होल्डिंग वाले का और 2.5 लाख दूसरे वाले का है, लेकिन आपसे बोल रहा था कि ये जो 2.5 लाख है ओवर वैल्यू लिखा है 2,20,000 से, तो क्या करूँ मैं इसे कम करूँ, ओवर वैल्यू है तो कम करके दिखाना पड़ेगा कितना 20,000, तो ये घट के कितना रह गया 230, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी एक का पूछ सकते हैं कि बैलेंस शीट में आपको ये भी दे रखा है ये भी दे रखा है, ये ए लिमिटेड का ये बी लिमिटेड का, बताओ बी लिमिटेड की बिल्डिंग या लैंड कितनी आएगी, तो 2,25,000 में से 20,000 माइनस करोगे 230 की आएगी, टोटल कितनी होगी 36, वो पर्टिकुलर किसी एक का भी पूछ सकते हैं ठीक है। तो आपने इस नोरो प्लस किया माइनस किया आ गया आंसर। फिर अगला है मशीनरी, मशीनरी कैसे होगी, पहले वाली कितनी है मशीनरी है ही नहीं, पहले वाली कुछ है ही नहीं, दूसरे वाली कितनी दे रखी 2,25,000 दे रखे एंड की वैल्यू, बिल्कुल लास्ट की वैल्यू है, अचानक से आपकी वैल्यू बढ़ गई 62,500 का इंक्रीज हुआ था ना, तो 62,500 इसमें बढ़ गया, और जो बढ़ गया उसमें हमने डेप भी माइनस किया, कहाँ पे माइनस किया, एक्स्ट्रा डेप टू बी चार्ज के नाम से यहाँ पे माइनस किया 3,125 वो माइनस कर लिया भाई, इस पर तो ऑलरेडी डेप माइनस हो रखी है 2,50,000 की चीज़ 2,25,000 की बता रखी है, उससे तो हमें करके दिखाना नहीं,
जो भी यहाँ पे है वो लिख दिया, प्लस जो अचानक से बढ़ गया तो उन्हें प्लस कर दिया, रिवेल्यूशन प्रॉफिट हुआ था तो प्लस कर दिया, और जो बढ़ गई कीमत उसमें भी डेप माइनस किया था वो डेप हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, तो कीमत कितनी आएगी बताओ जरा। ऐसा सा पॉइंट एमसीक्यू पूछते हैं। दो लाख चौरासी हजार 375 है ना। ठीक, अगला नाम क्या है इसका, इन्वेस्टमेंट तो आता नहीं, करंट एसेट्स देखो। स्टॉप, एसेट्स कितना आएगा इसमें, स्टॉक स्टॉक में तो कुछ हुआ नहीं था, बस टोटल करके दिखाना है। 65,000 और 140,000 कितना आ जाएगा इसमें, 205,000। फिर कितना आएगा सन्डे डेटर, 90,000 आएगी बस। दो लाख है, इसके बाद है कैसेट बैंक है। कैसेट बैंक हमारा 120 और 185। तीन पांच आएगा क्या, और तो कुछ है नहीं, टोटल कर लो, यहाँ भी टोटल कर लो। कितना है, 16 लाख 24,000। हाँ 16,24,375 नोट डाउन कर लो, नहीं चलो चेक कर ले, नीचे वाला जरूर कर लो, ऊपर वाले में ज्यादा कुछ अंतर है नहीं, उठा उठा के डाली वाली ठीक है, ये आपने कराया नहीं, ऐसे जो ठीक कर लो कर लो कर लो। कर ले बेटा, ये दो दो पन्ने गिर जा रहा भैया, बताओ ये सुन ना भैया, अगर ये कॉपी में करने बैठ गए तो कॉपी बढ़ जाएगी, इसलिए तो एमसीक्यू कर दिया तुम्हारा। भैया नहीं नहीं भैया, मैं कॉपीराइट बन रहा हूँ, स्ट्राइक। हेलो, हाँ तो बच्चों आप लिख लेना ठीक है, वीडियो लंबी हो गई तो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, लाइक करो शेयर करो चैनल को सब्सक्राइब करो, बाय बाय टाटा, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।